सुशांत सिंह की मौत के बाद से कंगना रनावत लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। कंगना रनावत ने अब कहा है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि देखते हैं कि उन्हें कौन रोकता है। 9 सितंबर को वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित भी करेंगी, जानकारी भी देंगी। दरअसल सुशांत सिंह की मौत के बाद से कंगना रनावत ने मोर्चा संभाल लिया था। कंगना रनावत ने तमाम बॉलीवुड कलाकारों पर आरोप लगाए थे कि सुशांत सिंह की मौत का कारण ये कलाकार हैं। उसके बाद से बॉलीवुड में बहस सी छिड़ गई थी। अब कंगना रनावत ने 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने का ऐलान किया है। इससे पहले जुबानी जंग में कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस पर भी हमला किया था। मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए थे कि सुशांत सिंह के मामले में मुंबई पुलिस ने काफी ढिलाई बरती। मुंबई पुलिस की लापरवाही के कारण ही सुशांत सिंह की जान गई। कंगना रनावत ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह ने तमाम बार मुंबई पुलिस को सूचना दी, अपनी परेशानी बताई, अपनी दिक्कतें बताई, मगर मुंबई पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण रहा कि सुशांत सिंह की मौत। कंगना रनावत ने कहा कि अब तो मुंबई पुलिस से उन्हें डर लगता है। इसके बाद संजय राउत शिवसेना के सांसद वो हमलावर हो गए और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको डर लगता है तो मुंबई में आने की जरूरत नहीं। कंगना रनावत ने कहा कि मुंबई तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया। फिर उन्होंने अब चेतावनी दी है कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं, देखते हैं कि उन्हें कौन रोकता है। अब देखने की बात है कि 9 सितंबर को मुंबई में कंगना रनावत का भव्य स्वागत होता है या फिर उनका विरोध।